तो दूसरों की अपेक्षा यहूदी को अधिक क्या मिला और खतने से क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। सर्वप्रथम यहूदियों को ईश्वर की वाणी सुनाई गई है। यदि यहूदियों में कुछ अविश्वासी निकले तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास ईश्वर की सत्य प्रतीकता नष्ट कर देगा? कभी नहीं। भले ही प्रत्येक मनुष्य झूठा निकल जाए, किंतु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। जैसा कि लिखा है, तेरे निर्णय सही प्रमाणित होंगे और इनकी जांच होने पर तू विजयी होगा। यदि हमारा अन्याय ईश्वर की न्यायपीठता प्रदर्शित करता है, तो मैं यहां मानवीय तर्क के अनुसार कह रहा हूं, क्या ईश्वर अन्याय नहीं करता जब वह हमें दंड देता है? कभी नहीं। यदि ईश्वर अन्यायी होता तो वह संसार का न्याय कैसे कर सकता? यदि मेरी असत्यवादिता ईश्वर की सत्य प्रेरिता और उसकी महिमा को बढ़ावा देती है, तो पापी की तरह मेरा न्याय क्यों किया जाता है? यदि ऐसी बात है तो हम बुराई क्यों ना करें जिससे भलाई उत्पन्न हो? कुछ लोगों के अनुसार जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी शिक्षा यही है, ऐसे लोग दंडाज्ञा के योग्य हैं। तो क्या हम यहूदियों की कोई श्रेष्ठता नहीं? एकदम नहीं। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सब, चाहे यहूदी हो या यूनानी, पाप के अधीन है। जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगे रहने वाला कोई नहीं। सभी भटक गए, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं। कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी वाणी में छल कपट और उनके होठों के तले सांप का विष है। उनका मुंह अभिशाप और कटुता से भरा है। उनके पैर रक्त पाप करने दौड़ते हैं। उनके मार्ग में विनाश है और विपत्ति। वे शांति का मार्ग नहीं जानते और ईश्वर की श्रद्धा उनकी आंखों के सामने नहीं रहती। हम जानते हैं कि संहिता जो कुछ कहती है वह उन लोगों से कहती है जो संहिता के अधीन है। इस प्रकार कोई कुछ नहीं कह सकता और ईश्वर के सामने समस्त संसार दंड के योग्य माना जाता है, क्योंकि संहिता के कर्म कांड द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने धार्मिक नहीं माना जाएगा। संहिता केवल पाप का ज्ञान कराती है। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सब के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबको पाप मुक्त करता है जो ईसा में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के विधान के कारण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही
गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। तो क्या हम अपने विश्वास द्वारा संहिता को रद्द करते हैं? उल्टे, हम संहिता की पुष्टि करते हैं।